जी मुझे उम्रा उम्रा के मुताबिक दो तीन चार डाउट्स हैं शेख, क्या पूछ सकती जी बिल्कुल जी। हूँ? जो सफा के यानी सफा सही के दौरान सफा में जो भी दुआएं पढ़ते हैं, इन सफा वल मरवता और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, वो सब दुआएं मरवा पर भी पढ़ना है? जी बिल्कुल, जो दुआएं आपको सफा पे पढ़नी है मरवा पे भी वही दुआएं पढ़नी है। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर रहनी चाहिए कि वो जो दुआएं हैं वो दुआएं मसनून हैं, वाजिब नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ इस मसले को, क्योंकि जी बहुत सारे लोग अपने हिंदुस्तान के जो उमरा और हज करने जाते हैं, बल्कि बेशतर लोग ऐसे होते हैं जो जिनको दुआएं नहीं याद होती, बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं, तो जी वो उन लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई मुझे तो दुआ याद नहीं है तो मेरा उमरा ही नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। अगर उनके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई मेरा तो उमरा ही नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि वो दुआएं वाजिब नहीं है। आपका उमरा भी हो गया, आप दुआ जी पढ़ेंगे तो आपको मजीद अजर मिलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके पर आपका उम्रा होगा। आपको चाहिए कि आप जाने से पहले वो दुआएं याद कर लें। लेकिन अगर कोई अनपढ़ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल है उन दुआओं को याद कर पाना उस वक्त, तो उनका उम्रा भी हो जाएगा, वो दुआएं मसनून हैं। और जो दुआएं सफा पर हैं सेम दुआएं मरवा पर भी हैं, कोई फर्क नहीं है जी दोनों में। जी बहन। एहराम जो जेंट्स के लिए है ना, वो एहराम नया लेते हैं उसको वॉश करके पहनना है या ऐसे ही पहन सकते हैं? देखिए, जो एहराम जो कपड़ा है एहराम का, उस कपड़े में एक ही शर्त है कि वो कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं, नजिस नहीं होना चाहिए। गंदा हम नहीं कहेंगे, गंदा तो हमारी जबान में मैले को भी बोलते हैं। वो जी कपड़ा नजिस नहीं होना चाहिए, उस पर नजासत नहीं लगी होनी चाहिए, सिर्फ ये शर्त है। अब वो कपड़ा जो आप खरीद रही हैं, वो कपड़े में क्या गंदगी लगी हुई है? मैं नहीं समझता हूं कि नए कपड़े में गंदगी लगी होती है, तो उसको वाश करना जरूरी नहीं है, आप उसको ऐसे ही पहन सकती हैं। बस औकात लोगों को से वो शक रहता है कि वो कितने लोगों ने उसको चेक किया होगा, हाथ में लगाया जी, होगा, इस वजह से लोग अक्सर पूछा करते आप देखिए, ये इसका ताल्लुक भी तहारत वसवसे के से। मसाइल से है। हाँ, और वसवसे से है। तहारत के बाब में असल ये है कि तमाम चीजें ताहिर हैं जब तक कि यकीन के साथ ये साबित ना हो जाए कि उसमें कोई नजासत लगी हुई है, तब तक। तो जी ये बहन, वसवसा आपकी नहीं, दूसरी पता बात नहीं भी सही कितने है। लोगों ने हाथ लगाया होगा, ये सिर्फ वसवसा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी लेडीज के लिए जो एहराम है, मीकात में जब एहराम की नियत करते हैं उसके अव्वल तक जो नोज पीस जो फेस के लिए पहनते हैं, वो नोज पीस पहन सकते हैं ना एहराम की नियत के बाद उसको निकालना है? देखिए, हज के जो मसाइल हैं, ये बहुत अहम सवाल किया है आपने, हालांकि थोड़ा सा इस तफसील तलब है लेकिन जरूरी भी है। देखिए, औरत का जो एहराम है, औरत को एहराम के अंदर दो चीजों से मना किया गया है, इसको गौर से सुने, इसलिए कि इस मसले में इतना कंफ्यूजन फैलाया हुआ है लोगों ने। औरत को हालत एहराम में दो चीजों से, दो कपड़ों से बचना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तन्तकिब अल-मरअ, औरत नकाब ना पहने, वला तलबस अल-कुफाज़ैन, और औरत दस्ताने ना पहने, दस्ताने मतलब जो हाथ में पहने जाते हैं। तो जी दो एहराम की हालत में औरत को दो तरह के कपड़ों से मना किया गया। पहला कपड़ा है नकाब, दूसरा कपड़ा है दस्ताने। इन दो के अलावा औरत पर कहीं पर कोई पाबंदी नहीं है कि औरत हालत एहराम में कैसा, उसको पर्दे से रहना है, ठीक है? अब ये दोनों का मतलब समझते हैं। अल्लाह के नबी जी ने कहा कि औरत नकाब ना पहने, क्या अल्लाह के नबी ने इस हदीस के अंदर ये कहा है कि औरत चेहरा ना ढके? आप बताएं, जी अल्लाह के नबी ने कहा औरत नकाब ना पहने, ये नहीं कहा कि औरत चेहरा ना ढके। जी जैसे कि मर्द को कहा गया कि मर्द सलवार ना पहने, तो क्या इसका मतलब यह है कि मर्द बगैर नीचे कुछ भी ना पहने? मर्द को कहा गया सलवार ना पहने, इसका यह मतलब जी तो नहीं है कि मर्द कुछ भी ना पहने, नंगा रहे। औरत
को कहा गया औरत नकाब ना पहने, तो औरत को ये तो नहीं कहा गया कि औरत चेहरा ना ढके। बहुत सारे लोग इस हदीस के सिलसिले में बड़ी बहुत भयंकर गलत फहमी में मुबतला है और वो समझते हैं कि औरत हालत एहराम में चेहरा नहीं ढकेगी। औरत को चेहरा हर हालत में ढकना है अजनबियों के सामने। औरत को जिस चीज से मना किया गया है वो है नकाब, और नकाब एक मखसूस किस्म का पर्दा है। उस मखसूस किस्म के पर्दे से अपने चेहरे को नहीं ढकेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चेहरा नहीं ढकेगी। नकाब क्या होता है, औरत को सर के ऊपर डालती है कपड़ा, उसमें आंख बनी होती है दोनों आंखें, या सांस लेने के लिए मुंह के पास कोई सुराख बना हो, इस तरह का उस जमाने के अंदर एक पर्दा होता था जिसको नकाब कहा जाता था। हमने कल भी एक मसला बताया था शेख हाशिम, आपको शायद याद हो, कि अरबी जो अरबी के अल्फाज हैं, जब हम उसको तर्जमा करके समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कई दफा हम बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर मुबतला हो जाते हैं। तो चूंकि हमारी जबान में, उर्दू जबान में जब हम नकाब बोलते हैं तो नकाब का मतलब होता है वो औरत जो पहनी हुई है उसको नकाब कहते हैं। नहीं, नकाब एक मखसूस किस्म का पर्दा है। उस नकाब से मना किया गया, चेहरा ढकने से मना नहीं किया गया। और इसको जो मैंने मिसाल दिया उसी मिसाल से समझे। अल्लाह के नबी ने कहा मर्द कुर्ता ना पहने, तो क्या मर्द नंगे रहे? ये तो नहीं कहा कि मर्द नंगे रहे। मर्द कुर्ता ना पहने इसका मतलब थोड़ी कि नंगे रहे। मर्द ऊपर ढके, चादर से ढके। मर्द सलवार ना पहने इसका मतलब थोड़ी कि वो नीचे लुंगी भी ना लपेटे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मर्द कुछ भी ना पहने। तो जब औरत को कहा गया कि औरत नकाब ना पहने, तो ये नहीं कहा गया कि औरत चेहरा ना ढके। नकाब एक मखसूस किस्म का लिबास है, उसको नहीं पहनेगी औरत, बाकी चेहरे को ढकेगी। वो कैसे ढकेगी उसका मसला है, वो जाने, वो जिस तरीके से भी चाहे ढक सकती है, बस नकाब से बचेगी। ये पहली बात। दूसरी बात, औरत को कहा गया वला तलबस अल-कुफ्फाज़ैन, औरत दस्ताने नहीं पहनेगी। अब क्या ये कहा गया कि औरत हाथ नहीं ढकेगी? ये तो नहीं कहा गया कि हाथ नहीं ढकेगी। भाई दस्ताना तो एक खास लिबास है ना, उस खास लिबास से मना किया गया, तो दस्ताना नहीं पहनेगी औरत, इसका ये मतलब नहीं है कि औरत हाथ नहीं ढकेगी। हाथ को ढकने का सिर्फ दुनिया में एक ही तरीका तो है नहीं कि दस्ताना पहनेगी तभी हाथ ढकेगा। हाथ ढकने का और भी तरीका हो सकता है, उन तरीकों से औरत हाथ ढकेगी। चेहरा ढकने का सिर्फ एक तरीका नकाब तो है नहीं, दूसरे तरीके वो ऊपर दुपट्टा डाल लेगी, चादर डाल लेगी, जैसा भी चाहेगी करेगी। तो औरत पूरे जिस्म का पर्दा करेगी अजनबियों के सामने। खुलासा जो मैं जहां पर लाना चाह रहा हूं वो ये है कि औरत हालत एहराम में भी पूरे जिस्म का पर्दा करेगी, बस वो पर्दा करते वक्त इस बात की रियायत करेगी कि अपने चेहरे को नकाब से नहीं ढकेगी, अपने हाथ को दस्ताने से नहीं ढकेगी, और किसी चीज से वो ढक सकती है। जी शेख जी बहन, औरतों के लिए मदीना में जो भी सुन्नत अदा करना है इसका जो भी ये है वो बोल दीजिए। मस्जिद नबवी में नमाज बहुत पढ़ना। बहुत बहुत जनरल सवाल है। जब मदीना के अंदर आप जाएं तो मदीना के अंदर पहली बात तो सबसे अहम चीज जो है मस्जिद नबवी के अंदर आप नमाज पढ़ें। मस्जिद नबवी के अंदर आप नमाज पढ़ें। वहां पे मस्जिद कुबा है, अभी तो मस्जिद कुबा माशाल्लाह शहर के अंदर आ गया है, पहले जमाने में वो शहर के बाहर हुआ करता था। अभी वहां से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर के फासले पर जुनूब की जानिब मस्जिद कुबा है। औरत वहां पे जाए नमाज पढ़े, जिस तरह से मर्द के लिए मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने से एक उम्रे का अज्र मिलता है, उसी तरह से औरत को भी मिलता है। बाकी जो कब्रों की जियारत है, जैसे उहुद के अंदर शहदाए उहुद की कब्रें हैं, तो औरतों को कब्रों की जियारत से मना किया गया है, चाहे वो बकी का कब्रस्तान हो, शुहदाए उहुद का कब्रस्तान हो, औरत को कब्रों की जियारत से मना किया गया है। लेकिन सिर्फ एक सूरत में औरत कब्र पे जा सकती है, वो सूरत ये है कि जैसे मान लीजिए कोई औरत उधर से गुजर रही है, ये सिर्फ मदीना के लिए खास नहीं है, आप अपने गांव में शहर में भी इस मसले को इसी तरह से समझें।
औरत कब्रिस्तान के पास से इत्तेफाक से गुजर रही है तो रुक करके वो सलाम कर सकती है, दुआ कर सकती है, जिस तरह से मर्द करते हैं। बाकी कष्ट करके कब्रिस्तान नहीं जाएगी औरत, इससे मना किया गया। तो मदीना के अंदर आप कोशिश करें कि मस्जिद नबवी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, नमाजें पढ़ें, दुआएं करें, कुरान की तिलावत करें, और मस्जिद कुबा जाएं, वहां पर भी जाकर के आप इबादत करें। बाकी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर, वहां हिंदुस्तान बहुत सारे माशाल्लाह हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई वहां पर भी लोगों को गुमराह करने के लिए मौजूद होते हैं, उनसे होशियार रहें। वो ऐसी ऐसी जगहों पर आकर इंकशाफ करेंगे आपके लिए कि एक आम आदमी जो पहली बार गया होता है वो उनके धोखे में आ जाएगा। वो अलग अलग जगहों पर ले जाकर के आपको अलग अलग चीजें, यहाँ पर अल्लाह के नबी ने ये किया था, फला साहब ने यहाँ पर ये किया था, इन सबकी कोई हकीकत नहीं है। आप वहां पे मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ें, कुबा के अंदर जाकर नमाज पढ़ें। अगर बकरी के पास से आपका गुजरना हो गया इत्तेफाकिया तो वहां पर आप रुक करके सलाम पढ़ सकती हैं, दुआ कर सकती हैं, बस। और अगर कोई जगह मदीना के अंदर आप ऐसे ही घूमना चाहें तो घूमना तो अलग मसला है, घूमना ये दीन नहीं है, वो आपकी मर्जी, लेकिन उसको दीन समझ करके कहीं पर जाना नहीं।